टॉपिक पर ही रहिए, जल्दी से सोना महाजन आपका रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल हो चुका है सब कुछ, हर व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर लिखने के लिए स्वतंत्र है सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल ये है कि जिस एक व्यक्ति ने रीट्वीट किया है और जिससे रिहाना की दोस्ती का जिक्र हमेशा होता है, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ऐसे में क्या दूसरे नजरिए से ट्वीट को देखा जाए? सोना महाजन को बोलने दीजिए। प्रोफेसर जी, अंजना जी, आप विवाद में साफ कुछ करवाइए ताकि मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक सेकंड। हाँ जी अंजना जी, पहले तो मुझे लगता है कि भारत देश की बहुत बड़ी हमारी ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो किसी मुद्दे पे बात करने के बजाय वो एक जिसको आप कहेंगे ना खोखला प्रतीकवाद, हॉलो सिंबोलिज्म की लड़ाई में ही अटक के रह गया है। ये लड़ाई है रिटोरिक वर्सेस रियलिटी की। दो पक्ष इस लड़ाई में है, एक पक्ष है सरकार का, द इंडियन स्टेट का, जिसमें सरकार बार बार कह रही है और इसको तथ्यों के साथ सरकार इसको बैक भी कर रही है कि ये जो बिल्स हैं इनको पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद, ऑल लेवल्स ऑफ टॉक्स के बाद पास किया गया है, बट इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इन्वॉल्व हो गए, सरकार ने शुरू से कहा था। और ये तब साबित भी हो गया। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सरकार ने तो शुरू से ही ये बात कही थी कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट हम लोगों को लगा था कि शायद ये सरकार का अपना एक बचाव है, पर धीरे धीरे ये चीज साबित हो गई। हमने शुरुआत में ही देखा कि किस तरह के नारे ये सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में लगे कि इंदिरा को मार दिया, अभी आज के प्रधानमंत्री क्या चीज है। तो ये इस तरह की बातें तो शुरुआत से ही होती आ रही थी। रही बात रिहाना जैसे लोगों की, तो ये जो पॉप स्टार्स हैं, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई थिंक जस्ट बिकॉज एक मुद्दा जो है वो सेंसेशनलाइज हो चुका है, आपको उसमें तब तक नहीं कूदना चाहिए जब तक आप उसके सारे के सारे फैक्ट जो है उनको आप समझ ना जाएं। अगर आप स्टोरी भी देखें जो रिहाना ने जो शेयर की है, उसमें एक ही चीज को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में न्यू दिल्ली में जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे इंटरनेट ऑफ कर दिया गया है। अब ये कोई नई चीज तो है नहीं, दुनिया में कहीं पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ की ही जाती है ताकि लोग रूमर मॉन्गरिंग से बचें और इस तरह के झूठ फैलाने से बचें। ठीक है योगिता भयाना, मुझे नहीं लगता कि योगिता भयाना क्या गलत कह रही है वो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें सरकार ये फैसला लेती है। योगिता भयाना सरकार कह रही है प्रोपेगेंडा है ये विदेशी हस्तियों का। लॉ एंड ऑर्डर ये देखिए ये सिचुएशन आई कैसे, ये सिचुएशन काश ये गुजरात में ऐसा कुछ कर देते कि दंगे ये रोक पाते, काश ये दंगे और जो हुए नॉर्थ ईस्ट में तभी ये रोक पाते। ये हर तरह से इन्होंने फेल किया है। जो बोलते हैं कि आइए हमसे डायलॉग कीजिए, मैं एक कॉल अवे हूं, फिर उसके बाद वो कांटे बिछाने में बिछ जाते हैं और उसके अलावा एफआईआर पे एफआईआर लोगों पर कर रहे हैं। अगर यही एफआईआर अगर जो क्राइम हमारे देश में बढ़ता जा रहा है उसमें इसके खिलाफ इतने प्रॉम्प्टली करते तो मैं कहती हाँ ये सरकार एक्टिव है, एक मुद्दे पे एक्टिव है बस, कि लोग मिलजुल के इनके अगेंस्ट कुछ ना बोले, बस उसमें बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बाकी मुद्दों पर ये बिल्कुल फसड्डी है सरकार आपके खिलाफ। जो आवाज उठाए बिल्कुल झोंकते हैं, बदनाम कीजिए, वो देश विरोधी है। और अब तो वो रिहाना के बारे में भी नेशनल, वो एंटी नेशनल सामने आ रही है, वो तो एंटी नेशनल। अंजना जी देखिए सरकार कटघरे में खड़ी रहती है और उसी हर सरकार उसी तरह हमारी सरकार भी कटघरे में खड़ी रहती है। हमने कई बार हमारे लीडर्स ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार सरकार करते पे आप कटघरे में खड़े कोई हज नहीं है, आप करते रहिए सरकार उसका उसके बयाना जी जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जरा सा अपने डिजर्विंग कमेंट्स को थोड़ा सा रोक के रखिए तो अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी सरकारों कटघरे में खड़ी रहती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन सरकारों पे आप कुछ भी आप चाहिए कमेंट्स कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसलिए कि आपका अधिकार है एज ए नागरिक। लेकिन बाहर के लोग जब देश के बारे में ऐसे कहें, उस वक्त देश के पॉलिटिकल पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन अगर उसको रीट्वीट करके देश के हित के खिलाफ बात करे तो क्या आप इसको अच्छा मानती हैं? अरे देश से बाहर की ताकतें अगर देश के खिलाफ आंख उठा के देखती है तो क्या आप उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं? जफर जी, आप उनके खिलाफ खड़े रहना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। और आपको क्या बुरा लगता है, ये आप कैसे चुनाव कर सकते हैं? खिलाफ क्यों नहीं खड़े रहेंगे? आप देश के खिलाफ खड़ी ताकतों के साथ आप रहेंगे?
नहीं मैं पूछता हूँ, नहीं देश के खिलाफ, आप कैसे देश के खिलाफ की ताकतों के साथ आप खड़ी रहना चाहती है क्या उनके खिलाफ? मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ, आप नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई खालिस्तानी है तो है, आपको उसमें क्या तकलीफ है? अगर खालिस्तान, आप क्या खालिस्तान के सपोर्ट में खड़ी हैं? नहीं है, अगर नहीं कोई इंटरनेशनल, अगर सच्ची तो बात, काम अगर, अगर, अगर एक बात बताइए, अगर जनवरी का जनवरी नहीं, के आपका सब आप सब साफ नहीं हो रही तो आप खराब, आप हो, आप हो, अच्छा आप आपको आपको झंडा दिखा दो, आप एक भी झंडा दिखाइए, आप झंडा दिखाइए अपने बीजेपी हेडक्वार्टर में, एक भी इंडियन नेशनल फ्लैग नहीं है, आप हो इंटरनेशनल, आप फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, दिखाइए एक भी झंडा अपने ऑफिस में, दिखाइए एक भी झंडा आपके ऑफिस के बाहर, मुझे दिखाइए तिरंगा नहीं है।